Hi guys, this is Nibam back again with the new vlog. So आज का vlog भी guys बहुत special होने वाला है और आज के vlog में हम लोग पूरी film city घूमने वाले हैं. तो इस vlog में मैं आपको दादा साहेब film city का पूरा tour देने वाला हूँ. So vlog पूरा देखना बिना skip करे. So guys करते हैं vlog को शुरू. गाइस फाइनली हम लोग फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं और फिल्म सिटी का पूरा टूर बस करवाती है और जानते हैं इसकी टिकट प्राइसेस और टाइमिंग्स. तो इंडियन टूरिस्ट का टिकट प्राइस है 1000 और फॉरेन का है 3000 और टाइमिंग है 10 AM टू 5 PM और ये पूरी बस है जो फिल्म सिटी का टूर कराती है हमें. सो गाइस फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं. अब हमारी यहाँ से बस जाएगी अंदर फिल्म सिटी के, तो मैं पूरा टूर दूंगा आपको. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. इस फिल्म सिटी का नाम है दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी, जैसा कि आप देख ही सकते हो सामने. गाइस फिल्म सिटी में जितने भी सेट बनते हैं वो आर्ट डायरेक्टर के गाइडेंस में बनते हैं. वही पूरा डिज़ाइन ड्रॉ करवाते हैं और कंप्यूटराइज और पूरा ऐसा का ऐसा सेट बना देते हैं. और ये जो सेट आपको सामने दिख रहा है इसका नाम है वेलकम मैदान 1 और साइड वाले का वेलकम मैदान 2, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये दोनों एंट्रेंस वाले सेट. सो गाइज आपको याद होगा एक जैकलिन फर्नांडिस का गाना था जो कि थाईलैंड में शूट हुआ था. तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये पूरा यहीं थाईलैंड बनाया गया था. थाईलैंड में शूटिंग नहीं हुई थी, इसी को थाईलैंड बनाया गया था. और अभी ये जो आपको टूटा फूटा दिख रहा है, यहाँ अभी एक मूवी की शूटिंग एंड हुई है जो कि अक्षय कुमार सर की मूवी है, तो वो काफ़ी जल्द आपको देखने मिलेगी. गाइज आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, उसकी शूटिंग भी इसी सेट पे हुई थी. और इस सेट का नाम है जोश मैदान जो कि संजय लीला भंसाली जी का सबसे फेवरेट लोकेशन है. ये आपके लेफ्ट साइड में देखिएगा, यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में जो टीन से गिरा हुआ कि मैदान दिख रहा होगा उसको कहते हैं जोकर मैदान. दोस्तों कुछ साल पहले एक जोकर मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से थी, लेकिन कमबख्त इस मैदान को नाम दी गई जोकर मैदान. बड़े बड़े फिल्मों के बेस पे नाम दिए गए यहाँ पर. ओके जोकर का सेट बना था दोस्तों, पूरा का पूरा मूवी इधर शूट हुआ था. सितंबर में दिस ईयर ब्रह्मास्त्र नाम की मूवी आने वाली, रणबीर कपूर आलिया भट्ट, अपने वो कपूर आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन आए हुए थे. जब अभी नेक्स्ट मंथ में वो रिलीज होने वाला है गाना, अगर आपको देखना है, अगर आपको ये गाना देखोगे यूट्यूब पे तो समझ लेना. उसमें जो कोंडाना फोर्ट दिखाया गया था आपके लेफ्ट साइड में, इसी मैदान पे बनाया गया था. ये छोटा सा मैदान आपको लग रहा होगा यहाँ कैसे बनाया गया होगा, बनते हैं दोस्तों कुछ VFX एडिटिंग का भी यूज होता है, थोड़ा बड़ा दिखाते हैं. लेकिन जो भी क्लाइमेक्स सीन है अजय देवगन और सैफ अली खान के बीच की फाइटिंग स्ट्रेटेजी, जितने भी सीन्स. सो गाइस ये जो आपको सामने वैनिटी वैन दिख रही है, इसमें भी एक मूवी एक्टर है. अभी नदी दिख रही होगी आपको, कितना पानी है देखो. अब बारिश हो जाएगी आज, बाढ़ आके फिल्म सिटी बह सकती है. अरे ये तो क्या, ये तो नाला दिख रहा है इधर, कोई नदी नहीं. लेकिन इसको बीआर चोपड़ा, महाभारत का बीआर चोपड़ा, 1988 में इसको गंगा नदी बनाया गया था. ट्रैक्टर से टेम्पो से भर भर के पानी दोस्तों यहाँ लाके इसको गंगा नदी बनाया गया था. और शपथ वाला जो सीन देखा होगा एपिसोड आपने, गंगा नदी पे शपथ लेने वाला जो है ना, नाले को गटर को गंगा नदी बनाया गया था. लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि नाले को गंगा नदी बना, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमको नदी ही दिखता है टीवी पे, पर्दे पे ये इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि हालांकि 100-150 लोगों का यूनिट लेके नदी में जाकर शूटिंग करोगे तो डूब के मर जाएंगे लोग कुछ लोग, राइट? के लेफ्ट साइड में दिखेगा ये अंदर. अभी देखो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है बॉलीवुड का, शाहरुख खान है उसका नाम. ये जवान आपका टीजर ही रिलीज हुआ था रिसेंटली, उसका सेट बनाया अंदर. कल आए थे शाहरुख खान अली को दिखाया गया था दोस्तों. और जो ऑल इज वेल सॉन्ग था ना, उसमें जो शर्मन जोशी आर माधवन और आमिर खान डांस करते, यही स्टेज जो दिख रहे हैं आपको अभी, वैनिटी वन खड़े है वो जवान वाले, यहाँ पर शूट किया गया था दोस्तों. ऐसे दिख रहे ओल्ड आपको, लेकिन अभी प्राइम फोकस को लिया है, उसको थोड़ा रिनोवेट करके. पहले भी एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था, अभी भी वैसे ही चलेगा. आपको आपके लेफ्ट साइड में देखिएगा, इधर आगे एक साइन बोर्ड दिख रहा होगा, सबसे टॉप पे कालिया मैदान लिखा हुआ है, राइट? यहाँ पर जो है ये टीम से बाजू में कालिया मैदान कहते हैं इसको. कालिया नाम सुना है आपने कहीं? कालिया मूवी थी एक अमिताभ बच्चन में, उसमें जो एक आइकॉनिक डायलॉग था यही इसी जगह पर बोला गया था दोस्तों. तो चलिए आगे, कुछ नहीं होगा. यहाँ ये जो रोड है, यहाँ पर इसी रोड पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन कौन देखता है शो, ठीक है? यहाँ पर आप यही इसी शो में जो टप्पू सेना देखो भेले की स्कूटी चुरा चुरा कर लेके आती है, राइट? वहां पर ये यही पर इसी रोड पे खेलती है. एक बार गाड़ी का वो स्कूटी का एक्सीडेंट भी होता है, राइट? वो रात के 3 बजे वाला, यही पर गैरेज बिठाते है दोस्तों. गैरेज उनकी जो रिक्शा है ना, इन्हीं रोड पे घूमती है दोस्तों.
राइट, यहाँ पर शूटिंग्स होती रहती है दोस्तों। अभी यहाँ पर फिर से सेटिंग गाइस, अभी हम काफी फेमस शो के सेट पे आए हुए हैं जो कि अभी अभी खत्म हुआ है, जिसका नाम है लॉकअप, जिसके विनर आप सबको पता है मुनावर थे। तो ये था लॉकअप का पूरा सेट। जरा घूर के मत दिखे नहीं तो जेल में डाल देंगे, अंदर जेल है पता है आपको। आपने वो क्लिप्स तो देखा होगा शायद, आपने छोटे छोटे आते थे सोशल मीडिया पे, तो ये अभी पॉपुलर हुआ था। अभी सीजन आने वाले दिनों में इसका भी और सीजन आएंगे, क्योंकि झगड़े वाले भी शोज बहुत पसंद आते हैं हमको, राइट। जैसे बिग बॉस पसंद आया है, बिग बॉस कितना पॉपुलर हुआ है। स्टार भारत में एक उनका ही शो आता है दोनों का, तेरा मेरा साथ रहे, सामने पोस्टर दिख रहा है, देख रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे स्टार भारत पे आता है। कोई देखता है क्या, वो कोई देखता है, कोई एनीबडी, बस ये कुछ लोग देखते हैं उसको, वो भी बहुत पॉपुलर है, आप नहीं देखते होंगे। वहां पर उसका बंगला है और सेट है दोस्तों, 8:30 बजे आता है। अभी देखिए आपके लेफ्ट साइड में पोस्टर दिख रहा होगा, वो सीरियल का नाम है गुम है किसी के प्यार में, उसका पीछे सेट लगाया हुआ है ऊपर, स्टार प्लस पे आता है। ये पुलिस वाला है, देखो दो एक्ट्रेस की तरफ देख रहे, तो मुझे लग रहा है वो दोनों उसके प्यार में गुम हो सकती है। वो एक्टर है तीसरी ओर देख रहा है, तो वो किसी तीसरी के ओर में गुम हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा कौन किस किस के प्यार में गुम है। शायद आपको गुलगाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मोबाइल का वीडियो चालू करके रखिएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं बताऊंगा कहाँ कब दिखेगा। ये बिल्डिंग तो आपने देखा होगा, इसके अंदर घर होते हैं, घर होते हैं, इसके अंदर एक्चुअली शूटिंग होती है। चलिए आगे, ये जो आपने ये भी मंदिर दिखा है, दिख रहा है आपको यहाँ गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, दिख रहा होगा आपको, आपके सामने वीडियो निकाल सकते हो। उसके ठीक नीचे अब्दुल का सोडा शॉप है दोस्तों, और वहां पर उसके बाजू में चमको लॉन्ड्री, चमको लॉन्ड्री आयरन करने वाले चमको लॉन्ड्री है, वहां पर भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहां पर होता है दोस्तों शूटिंग, यहां पर 15 सालों से चलता आ रहा है, चलते रहिए। हम आते भी धीरे धीरे, हम जब वापस आएंगे तभी भी हमको दिखाऊंगा मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस टाइम भी देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी देखो आपके राइट साइड में गार्डन दिखेगा, गार्डन बहुत बार तारक मेहता में दिखाया गया है दोस्तों। राइट साइड में पोपटलाल की पिटाई होने वाला नहीं, उधर बाद में जाएंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं नहीं, उधर हम जाएंगे, हम आगे जाएंगे, दूसरे लोकेशन है, इधर से आपको दिखाई दिया इसलिए मैं दिखाया इधर से। तो फिनाली हुआ है दोस्तों, अभी आपकी जानकारी के लिए बताओ, मलयालम का बिग बॉस चल रहा है, मोहनलाल आए हुए मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार। अभी देखो वहां पर आंख दिख रही होगी आपको, यहां पर कुछ ये देखा है कि ये तो मलयालम हो गया, आप जानते नहीं होंगे उनको, कोई मलयालम मद्रास से है कोई, यहां अंदर आए हुए, यहां पर शूटिंग हुआ करती दोस्तों बिग बॉस की, सलमान खान आया करते थे, वो वीकेंड में दिखाई करते थे, दिखते हमको कभी कभी अंदर आते जाते हुए, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को देखिए, प्रतिज्ञा नाम का एक सीरियल आता था पहले, प्रतिज्ञा कोई देखता, उसमें ठाकुर हवेली दिखाया देता था, इसको दिखाया देता था मैडम, वो जो ठाकुर है सज्जन सिंह वाले, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, अक्षरा नीति का जो घर हुआ करता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इधर शूटिंग होती थी पहले। अभी जो गोविंदा विल्ला ऑफ सिंगानिया ओम शाहरुख खान वाले, उसमें जो दीपिका पादुकोण को जिंदा जलाते जिस घर में, ये यही घर है दोस्तों। किसे झाक के शाहरुख खान देखते हैं अंदर, राजू रामपाल और दोनों का मिलन होते हुए दीपिका पादुकोण, फिर उसका दिल टूट जाता है, फिर गाना चालू होता है, सुनना लगे वो जो गाना था लोनावला के पास, ये अमिताभ बच्चन सॉरी आमिर खान का एक सॉन्ग भी था आतिक खंडल, आपको पता होगा। ये देख रहा है ब्रिज जो दिख रहा है आपको यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में, ये आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा है दोस्तों इसको, एक फिल्म, एक दो फिल्म का नाम बताता हूँ मैं आपको, एक मूवी आई थी कोई मिल गया ऋतिक रोशन वाली, इसमें जो जादू जादू को जो क्लाइमैक्स में वो पुलिस के हाथ नहीं देना चाहता था, उसको जाता है ना साइकिल पे लेके, तो दोनों को फिर गिरा देते एक पुल पे, हम एक तरफ ऋतिक रोशन दूसरी तरफ जादू, ये यही पुल था दोस्तों, यही पर उसको दिखा दिया गया था। जिद्दी दाता घायल और जो भी गुप्त जो है चोर मचा चोर बाबी देल वाले, बहुत सारे फिल्मों में जो चोर और पुलिस का चेसिंग सीक्वेंस दिखाते हैं ना, तो वहाँ यही से होते हैं, जो पुल दिखता है ना बीच बीच में रात को नाइट के टाइम, तो यहाँ इसी पुल से दौड़ाते हैं उसको। अभी रिक्वायरमेंट है गणेश जी को लेके आते हैं, फिर दिन भर शूटिंग होती है गणेश जी की, शाम को फिर यूनिटी के साथ गणेश जी भगवान का पैकअप, दूसरे दिन साईं बाबा की मूर्ति लिखेंगे, दिन भर सॉन्ग जो था तुझे याद ना मेरी आई, जो बारिश में गीता कपूर डांस करती है जिस मंदिर के सामने, वो मंदिर यही है दोस्तों, बहुत सारे फिल्मों में दिखाया गया है, एक मंदिर है और दूसरा हम कहाँ जा रहे हैं अभी, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारी फिल्म, सिम्बा मूवी देखा होगा रिसेंटली, सिम्बा मूवी में दिखाया गया है इसको, सिंगम में दिखाया गया है, बॉडीगार्ड में दिखाया गया है इसको, मंदिर में एक सीन है ना, वो मंदिर यही है दोस्तों, दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिख रहा होगा
आगे जाएंगे, एक और फेवरेट लोकेशन है आपका, एक फेमस, उसके बाद बागबान मूवी देखी है क्या? बागबान अमिताभ बच्चन वाली, उसका घर याद आ रहा है? विजुअलाइज करने की कोशिश करो घर कैसा है, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। अभी देखो ये सामने वाला जो दिख रहा है वैसे ही घर था क्या? ये वैसे ही घर था बागबान में, दिख रहा है क्या आपको? ये घर है दोस्तों बागबान में दिखाया गया था इसको, या होली खेले रघुवीरा सॉन्ग है ना जो मैदान में सॉन्ग, कंपाउंड कोर्ट यार्ड में दिखाया था घर के सामने, यही यही है वो, यहाँ पर खेला गया था। हाँ आप सही हो, सही हो, यही पर, यस यस यही पर हुआ है। अभी आप देख रहे हो सिम्बा मूवी में जो पुलिस स्टेशन बनाया गया था रणवीर सिंह का, इसी को बनाया गया था, और उस तरफ से वो फर्स्ट टाइम सारा अली खान को देखता है, उस सीन इधर ही शूट किया गया था। गब्बर इज बैक में उसके लड़के करप्ट लोग उठा उठा के लाते, देखो एक गार्डन में, गार्डन यही है दोस्तों। और जो कोई मिल गया है में जो जादू ऋतिक रोशन पीछे जाने के बाद कंप्यूटर के साथ खेलता रहता है कुछ, वो यही है, इसका पीछे वाला दिखता है और फर्स्ट टाइम वो जादू को दिखता है, वो भी इधर ही बनाया गया था। इवन तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जेठालाल को वजन कम करना था, वो एक नेचुरोपैथी सेंटर में, किसी को याद आ रहा है कि नेचुरोपैथी ठाणे के नेचुरोपैथी? जहाँ जिस लोकेशन में हम उतरे हैं उस लोकेशन में भी बहुत सारी मूवीज के घर शूटिंग, तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है यहाँ बागवान की शूटिंग हुई थी तारक मेहता, और बहुत सारे टीवी सीरियल्स की भी शूटिंग हुई है, वो मैं नाम आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, यहाँ फोटो खिंचवाते हैं फोटो। गाइस मैं दिखाता हूँ स्टेज शूटिंग कहाँ होती है, जैसे किसी भी मूवी में कोई भी भाषण देता है तो उसकी शूटिंग यहाँ होती है, ये जो आपको दिख रहा है यही बनता है स्टेज, से पूरा स्टेज बनता है। तो ये यहाँ का मूवी स्टेज होता है, जैसे किसी भी मूवी की शूटिंग होती है वहाँ स्टेज बनाना होता है, तो वो यही होता है, यही स्टेज बनता है। सो गाइस आगे किसी टीवी सीरियल या मूवी की शूटिंग चल रही है, तो चलो वो देखते हैं चल के। बाहर निकलेंगे हम वहाँ से, तो गाइस ये किसी सीरियल का शूट हो रहा है और उसमें बारिश दिखाई जा रही है, देखो सीरियल में बारिश ऐसे होती है। तो यही है, यही सीरियल में ऐसे बारिश दिखती है, सीरियल में बारिश ऐसे होती है। तो यही है। सो गाइज ये है सीरियल के दोनों एक्टर और एक्ट्रेस जो मेन रोल में है, तो आपको पहचान में आ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना गाइज। जंगल में, क्योंकि पूरी फिल्म मुंबई है ना, ये एक मेट्रो सिटी, बहुत मतलब क्राउडेड सिटी है, वहाँ पर कोई जंगल तो मिलने का मतलब इम्पॉसिबल सी बात है। एक यही फिल्म सिटी है गोरेगा वाली, जहाँ पर जंगल है इतना सारा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे मतलब लोग यूज करते हैं और बहुत रेंट कम होता है दोस्तों यहाँ पर। ये नेचुरल रिसोर्स है ना, फिल्म सिटी को ज़्यादा खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है फिल्म मेकर को, और जंगल मिलता भी नहीं वैसे भी फिल्म इसके लिए पूरे मुंबई में, तो ये यहाँ पर लेते हैं। की बात कर रहा था मैं, सब सतरंगी आप देखते हो ना, ये ऐसा ही घर दिखता होगा, उसमें सोनी लाइव स्ट्रीम होते हैं उसके, और सब चैनल पे सोनी सब पे आप देख सकते हो। ओके जंगली मूवी आई थी विद्यु जामवाल की, उसका भी जो भी सिक्वेंस जंगल का दिखाया गया फॉरेस्ट वाला, वो यही शूट किया गया था। चलिए फिर से, अगर आपने नहीं देखा होगा लास्ट टाइम, तो आपके लेफ्ट साइड में थोड़ी सेकंड के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा का गेट दिखेगा आपको, आपके लेफ्ट साइड में फिर से आप देख सकते हो, अगर गेट ओपन है तो अभी अंदर का भी दिख सकता है, क्योंकि लास्ट वीक में माधवी भाभी को जानते हो आप, माधवी भाभी हमको दिखी थी लास्ट वीक, वो बाहर आई थी, आपके फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी थी बड़ी वाली, उसमें बैठ के चली गई, वो कुछ सेकंड थे, आधे मिनट रुकी थी वो। आगे चलिए थोड़ा, सबको दिखना चाहिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको गोकुलधाम कोऑपरेटिव, जो वहाँ से डोर है उसके अंदर से आ रहे, उसके ठीक बाजू में अब्दुल का सोडा शॉप और चमकोल लॉन्ड्री है, ठीक है, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। चलिए चलते रहिए आगे, नहीं ज़्यादा नहीं रुक सकते आप, पीछे जा सकते हो, आपको फोटो लेना है तो थोड़ा देर स्लोली चला गाड़ी, रे रुका भी था थोड़ी देर के लिए, तो हम ठीक है कोई बात नहीं, वो गेट आपने देखा होगा, लेकिन आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा दोस्तों मैं। ये ओनली इंडियन सीरियल है दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है उसका,
कॉमेडी में फर्स्ट एपिसोड प्रीमियर हुआ था 28 जुलाई 2008 हुआ। उसके ठीक नीचे सामने गार्डन है दोस्तों, गार्डन जो टप्पू सेना बैठती है, और देखो उधर गार्डन सोसाइटी दिख रहे हो आपको, कंपाउंड जेठालाल का गैलरी दिख रहा है वहां से, जो आप बीडी के साथ झगड़ा करते रहते हो हमेशा, देखो आप झूम करके फोटो निकाल, यही से दिखेगा दोस्तों, नजदीक से नहीं दिखेगा सोसाइटी। श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाया गया है इसमें, वो दिखाई दे रहे हैं आपको, जेठालाल की गैलरी दिख रही है क्या आपको, गैलरी दिख रही होगी आपको, ये जो बाजू वाला है इधर से गैलरी दिख रही है, देखो ऐसे ही बनाया गया हुआ है दोस्तों बहुत। और एक बात बता दूं, यहाँ पर अंदर कोई फ्लैट नहीं है, सिर्फ कंपाउंड है, आपको मैं पीछे से टीन भी दिखाऊंगा, पटलाल आयर भाई का घर दिखाऊंगा मैं, इधर से दिखेगा उसके टीन है पीछे, यही रोड है, यहाँ से पकड़ते हैं दोस्तों, जेठालाल हमेशा ऑटो पकड़ता है। इस चीज को याद करो, इस गौर से देखो इस रोड को, देखा होगा आपने इस रोड को राइट, यहाँ पर उसका वो वॉलेट भी चोरी हो जाता है, फिर उधर से पीछे से वो देखते हैं चोर आया कि नहीं, रोज चोरी करने के लिए उसको पकड़ने के लिए। स्टार्स लिमिटेड नाम सुना होगा, ओनली कंपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी दैट लिस्टेड ऑन शेयर मार्केट, बाकी एशियाज फिल्म्स नहीं है दोस्तों, ना संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन है, ना जा प्रोडक्शन है, ना राम गोपाल वर्मा की आग, कुछ भी नहीं है, बस ओनली कंपनी है, उसका भी 1978 में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया है दोस्तों। तो इसका वो यहाँ पर शूटिंग करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो उसका हेडक्वार्टर है, जो ब्लैक वाले स्टेज देख रहे हैं आपको सामने। एक मूवी आई थी राउडी राउडर अक्षय कुमार वाली, उसमें एक सॉन्ग था चिंता था चिता चिता चिंता था था, इधर ही डांस करता था सामने, वो जो ग्राउंड दिख रहा है वो स्टेयरकेस भी दिखते हैं। आज भी आप यूट्यूब पे टूर होने के बाद डाल के देखो, उसका यही आता है, विजय आता है तमिल स्टार, दोनों डांस करते हैं, इधर शूट हुआ था। बॉडीगार्ड एक मूवी आई थी सलमान खान वाली, काला कपड़ा काला कोट पहन के, करीना कपूर का जो कॉलेज दिखाया गया था इसी को दिखाया गया था, वहां पर वो खड़ा रहता था ऊपर सलमान खान, और एक बार लेट दिन लेट भी होता था तो भागते हुए भी दिखाया इस स्टेज से। परमाणु में दोस्तों इसको नासा ऑफिस बनाया गया था, कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया था रिसेंटली सूर्यवंशी में। चलिए आगे, तो सूर्यवंशी में मतलब बहुत सारे फिल्मों में ये क्या है, रेंट पे देते हैं अपना जो है हेडक्वार्टर, काम नहीं होता है वो अंदर काम चलता है उनका, कुछ पोर्शन दे देते हैं, उससे भी सुभाष के पैसा कमाते हैं दोस्तों, ठीक है। उनका एक एक्टिंग स्कूल भी है, याद है आपको एक्टिंग स्कूल, पता है उसका नाम विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल स्कूल कहते हैं उसको। अगर आपको एक्टर एक्ट्रेस बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो आपको उस स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। 2006 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, आपके राइट साइड में गेट दिखेगा आपको उसका, एक विस्लिंग वुड्स सुपरस्टार आते हैं अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र तक, शाहरुख से लेकर आमिर तक, अजय से लेकर अक्षय कुमार तक, आपको यहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा। फीस है ओनली 25 लाख पर एनम, मात्र 25 लाख को अफोर्ड कर सकता है तो एडमिशन लेना। के नीचे दिखाया देखो गोयनका विला दिख रहा है सबको, यही गेट कोई देखता है, आप में से कोई देखता नहीं शायद कोई, ये अभी के रिसेंट एपिसोड, इसलिए आप को नहीं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग इसको देखने के बाद, बहुत पॉपुलर है लोगों में 15 सालों से। देखो तारक मेहता 28 जुलाई 2008 को हुआ था फर्स्ट एपिसोड प्रीमियर, ये रिश्ता का 12 जनवरी 2009 को प्रीमियर हुआ था फर्स्ट एपिसोड, मतलब 6 महीने का गैप है। वो कॉमेडी में सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाला है, ये डेली सोप में लॉन्गेस्ट चलने वाला सीरियल है, इतना प्यार मिल रहा है इसलिए तो ये चल रहा है आज तक। पता नहीं आप क्यों नहीं देखते हो, लेकिन देखते हैं बहुत सारे लेडीज लोग, खासकर जेंट्स तो कोई देखता नहीं वैसे सीरियल, यहाँ पर शूटिंग होती है। चलिए आगे हम चलते हैं, यहाँ पर जितने भी एपिसोड देख रहे हो आप, यहाँ पर उदयपुर थाना वगैरह यहीं पर लगता है, जो आप माजी कैफे वगैरह देख रहे हो बहुत बार दिखाई देता है उसमें। अब आगे बढ़ रहे हैं हमें फेमस लोकेशन की, और वहाँ पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है मिलो, लेकिन नया नहीं मिलता है। फेमस डायरेक्टर सनी देओल के द्वारा दामिनी मूवी में जिस कोर्ट में बोला गया था लेफ्ट साइड में, वही कोर्ट आपको दिखेगा। दामिनी घातक है जिद्दी, जॉनी एलएलबी एलएलबी तो हेरा फेरी फिर हेरा फेरी अंदाज अपना अपना नायक दिल, और जो रिसेंटली रश्मि रॉकेट पिंक में भी यही दिखाया गया था। इसको कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब कोर्ट बना दिया जाता है। एक बार तो बैरिस्टर बाबू जो सीरियल है दोस्तों उसमें इसको लंदन कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। इवन तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भी दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में इसको गुलाब, आप हेरा फेरी नाम की मूवी आई थी उसमें जो परेश रावल अपने कपड़े सुखाता है, जानी लीवर झगड़ा करता है मेरे रूम के सामने क्यों सुखा रहा है, वो याद आ रहा है आपको सीन, वहीं पे शूट किया गया था दोस्तों। और उसके ठीक नीचे जो वैनिटी वैन के आगे जो दी कपिल शर्मा शो का जो जितने भी एपिसोड आप आज देख रहे हो आज के टाइम पे टीवी पे, आप यहीं पर शूट होते हैं दोस्तों। रनवे 34 के लिए 2 वीक पहले अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रघुलप्रीत सिंह यहाँ आए। जब शूटिंग होती है बहुत भीड़ होती है, वैनिटी वैन खड़े होते हैं, गाड़ियाँ खड़े होते हैं, BMW, ऑडीज, मर्सिडीज इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सोचा होगा जो ऑडियंस आती है, जो ऑडियंस आते हैं ना यहाँ पर ये करने के लिए, देखने के लिए, जो हर बार अलग अलग होते हैं, तो आपको भी लगा होगा हमको भी चांस मिल सकता है क्या, चलते रहिए धीरे धीरे।
तो अफकोर्स आपको भी चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। एक कंपनी का नाम है, एक ऐप है डासू टैलेंट, DHAASOO, डासू टैलेंट। प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ पर कपिल शर्मा शो का ये आता है, आइकॉन आता है, उस पर क्लिक करो, उसमें डेट आते हैं कब कब शूटिंग हो रही है इसकी, आप प्ले कर दो, उसमें कंप्यूटर पर वो जनरेट करते हैं लिस्ट ऑडियंस की। अगर आप लकी हो तो आपका आज भी कल आएगा नंबर, नहीं तो दो तीन महीने के बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और उसका कोई पैसा का प्राइसिंग भी नहीं है, कुछ पैसे देने का जरूरत नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ तो सामने से कॉल आता है प्रोडक्शन से, आपको उलट पैसे देते हैं वो लोग, एक टाइम का खाना मिलता है, जेंट्स को 500 कुछ, लेडीज को 400 रुपए। लेकिन आपका एक ही काम होता है, आपका मोबाइल बैग छीन लिया जाता है, लॉकर में रख दिया जाता है, आपको बस 16 से 18 घंटे बस तालियां बजाना, हंसते रहना पड़ेगा। अगर जो पसंद प्राइम फोकस स्टूडियो, यहाँ पर जितने भी अवार्ड शो देते हो, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्टारडस्ट अवार्ड्स, और जितने भी रियलिटी शो है, खतरी खतरा खतरा शो, इंडियाज गॉट टैलेंट, सुपर डांस, डांसर 5+, सुपर डांसर शिल्पा शेट्टी वाला, सुपर से भी ऊपर, दी बिग पिक्चर जो रणवीर सिंह का दिखाते, यही होता है दोस्तों। यहाँ पर जो आपको पॉम्पलेट में पड़ा होगा, जो भी जितने भी बारकाई आज आपने फिल्मों के बारे में बारकाई आज तक टेक्निक ना पता होगी ना इमेजिन किया होगा, आपको वो चीज़ें पता चलेगी, जैसे कि क्रोमा की का इस्तेमाल कैसे होता है, VFX का इस्तेमाल कैसे, गोली लगती है मर जाता है हमको दिखता है, लेकिन वो मरता कैसे नहीं है, वो सीन बनाते कैसे। सो गाइस, आज की वीडियो करते हैं यही एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे हिट कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।